नई नवेली डैटसन रेडी गो आने वाली है या किस तरह के इंजन ऑप्शंस के साथ आएगी, कब लॉन्च की जाएगी, क्या कीमत होगी, कितने बदलाव होंगे, क्या यह केवल फेसलिफ्ट होगी या बिल्कुल नई कार होगी, बहुत सारे सवाल हैं आपके मन में, तो फिर रिप्लाई लेने के लिए तैयार हो जाइए। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु। यह सच है कि इंडिया की सबसे सस्ती हैचबैक होने का खिताब रेडिगो के पास है, क्योंकि नैनो तो अब डिसकंटिन्यू हो चुकी है और इससे महंगी बाकी सभी गाड़ियां अवेलेबल है, चाहे वह क्विड हो या आल्टो हो। लेकिन सबसे सस्ती कार होने के बावजूद भी कभी भी रेडिगो सेल्समैन सबसे ऊपर नहीं रही, बिल्कुल नैनो की तरह। यानी लोगों ने इसे पसंद तो किया लेकिन इतना पसंद नहीं किया कि खरीद खरीद के लाइन लगा दी जाए। तो अब क्या किया जाए, यही डैटसन के दिमाग में था और उन्होंने अपनी इस नई कार में काफी बदलाव के साथ पेश करने की तैयारी कर ली है। यह बदलाव क्या है, पहले इन पर बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कंपनी ने जो हमें इमेज शेयर की है। हाँ, कंपनी के आज ही मुझे ईमेल आया, उसमें उन्होंने टीजर में दो इमेज हमारे साथ शेयर किए कि नई डैटसन देखने में कैसी लग रही है। हाँ, टीजर उसी को कहते हैं जैसे फिल्मों के ट्रेलर पहले आते हैं बाद में फिल्म आती है। देखने में कैसी लग रही है, अगर फ्रंट से बात की जाए तो कार के फ्रंट में जो ग्रिल है वह बिल्कुल ब्लैक हो गई है, साइड में दोनों साइड क्रोम का इस्तेमाल थोड़ा सा किया गया है, बीच में डैटसन का लोगो दे रखा गया है, हनीकॉम्ब काफ़ी कवर्ड जैसी ग्रिल दिख रही है। साइड में आपको एल शेप के DRL मिल रहे हैं, नीचे आपको फॉग लैंप मिल रहा है और ऊपर आपको क्लियर हेडलैम्प मिल रहे हैं एक साइड, जिसमें कि इंडिकेटर्स भी दे रखे गए हैं, और इसके किनारे तरफ जेड डिजाइन की आपको क्रोम की लाइनिंग दिख रही है। फ्रंट से देखने में यह कार पुरानी रेडिगो के मुकाबले बहुत मॉडर्न, बहुत स्टाइलिश दिख रही है, कम से कम इन पिक्चर्स में। अब अगर हम साइड प्रोफाइल की बात करें तो साइड प्रोफाइल में आपको डैटसन का लोगो दिखाई दे रहा है, जिस जगह पर नॉर्मली इंडिकेटर होता है बिल्कुल उसी जगह पर, तो इंडिकेटर शायद उसके अगल बगल में ही होगा। और बात की जाए आउटसाइड रियर व्यू मिरर की तो वह आपको इंटरनली एडजस्टेड मिल जाएंगे। रियर प्रोफाइल की बात की जाए तो रियर प्रोफाइल में भी थोड़े से चेंजेस हैं। चेंजेस क्या है कि अब जो टेल लाइट है वह शायद आपको स्प्लिट मिलेगी, यानी दरवाजे में भी उसका कुछ पोर्शन आपको देखने को मिलेगा और ऊपर आपको हाई माउंट स्टॉप लैंप मिल जाएंगे और बम्पर में आपको मिलेंगे पार्किंग सेंसर्स। हाँ, लेकिन आपको एक फीचर और एक्स्ट्रा जुड़ने की संभावना पूरी है, वह है रिवर्स पार्किंग कैमरे की, यानी इस कार में पहली बार कोई पार्किंग कैमरे का इस्तेमाल किया जाएगा। यह तो है देखने की बात। हाँ, कार की लंबाई वही रहेगी 3429 mm की और इसकी विथ 1560 और हाइट इसकी 1541 की रहेगी। इसका व्हील बेस है 2345 और वही बना रहेगा। टर्निंग रेडियस है 4.7 का मीटर का, जो काफ़ी छोटा है। और अगर बात की जाए इसके ग्राउंड क्लियरेंस की तो 185 mm का ग्राउंड क्लियरेंस इसमें मौजूद रहेगा, लेकिन हो सकता है टॉप वेरिएंट में आपको ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा ज़्यादा मिल सके, वह भी पहली बार 14 mm स्टील रिम के साथ आने की वजह से। हाँ, टॉप एंड मॉडल में आपको 14 इंच के स्टील रिम मिल सकेंगे, जिसकी वजह से यह कार की थोड़ी सी हाइट भी ऊंची हो जाएगी। हाँ, 222 लीटर का बूट स्पेस पहले की तरह मौजूद रहेगा। इंजन की बात की जाए, अब नए BS6 दो इंजन मिलेंगे आपको। इंजन वही है, बस वो BS6 रेडी इंजन है, 800cc का इंजन जो आपको देगा 54 PS की पावर 72 Nm टॉर्क के साथ, और इसका जाना माना इंजन 1 लीटर का इंजन जो 68 PS की पावर देता है 91 Nm टॉर्क के साथ, और यह 1 लीटर इंजन ही ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा इंडियन मार्केट में, और इसी के साथ आपको AMT का ऑप्शन भी मिलेगा। हाँ, इसका AMT जो है वह क्विड के AMT से डिफरेंट है, इसका AMT काफ़ी कुछ वैगनआर AMT जैसा है, यानी आप उसी तरह से इसे शिफ्ट कर सकेंगे और मैनुअल के तौर पर भी इसे चला सकेंगे। हालांकि मैंने रेडिगो AMT का रिव्यू कर रखा है, अगर आपने वह रिव्यू ना देखा हो तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं कि AMT में यह कार कैसी है। अब बात किया जाए कार के भीतर क्या क्या फीचर्स मिलेंगे, तो आपको 7 इंच का टच स्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम मिल जाएगा, जिसमें एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो भी आपको मिलेगा। AC और हीटर की सुविधा मौजूद रहेगी। पावर विंडो फ्रंट के साथ साथ अब आपको रियर पावर विंडो मिलने की भी संभावना है।
साथ ही आपको पीछे की तरफ एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी मिल सकते हैं और सेंटर आर्मरेस्ट के आने की भी संभावना है, और इसके आने से यह कार काफ़ी फीचर रिच भी हो जाएगी। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स वगैरह नहीं होंगे, लेकिन हाँ डिजिटल इंस्ट्रूमेंट पैनल मिल जाएगा जिस पे आपको स्पीड वगैरह एनालॉग की जगह आपको डिजिटल मिलेगी, जो थोड़ी देखने में फंकी लगेगी। हालांकि इसके 8 बिट रहने की ही संभावना ज़्यादा है। अब बात किया जाए कि इसमें सेफ्टी फीचर्स क्या होंगे। ABS, EBD साथ ही सिंगल एयरबैग मौजूद रहेगा। हो सकता है टॉप एंड वेरियंट में आपको डुअल एयरबैग के ऑप्शन भी मिल जाए। यह तो थे वो खास फीचर्स जो इस कार के साथ आएंगे। कार की कीमत का अनुमान यह है कि इस कार की कीमत से बेस वेरिएंट अब हटा दिए जाएंगे, यानी यह कार अपने बेस वेरिएंट में अब नहीं आएगी और जो इसका सबसे सस्ता वेरिएंट होगा उसकी कीमत उम्मीदतया 3.25 लाख 3.5 लाख रुपए से शुरू होकर 4,60,000 रुपए तक जा सकती है, ऐसा अनुमान है। लेकिन अभी तक कंपनी की तरफ से ऑफिशियली कुछ भी नहीं कहा गया है कि इसकी कार की कीमत क्या होगी और उस कीमत के अनुसार यह कैसा परफॉर्म करेगी। यह तो हम सिर्फ आइडिया ही लगा सकते हैं। अभी जो उम्मीद है वो यही कि यह कार इस प्राइस ब्रैकेट में लॉन्च की जाएगी। अब यह कार कब लॉन्च की जाएगी, तो कंपनी ने जिस तरह से टीजर दिए हैं, मुझे यह उम्मीद है कि अगले महीने इस कार की ऑफिशियल लॉन्चिंग हो सकती है, यानी लॉकडाउन खुलने के 1 महीने के भीतर इस कार की लॉन्चिंग कर दी जाएगी, ताकि जो कंज्यूमर BS6 कार खरीदना चाहते हैं उनके लिए नया ऑप्शन अवेलेबल हो जाए, जो दिखने में भी बदलाव के साथ हो और नए BS6 इंजन के साथ में भी हो। जबकि अभी BS4 कारें भी कई स्टॉक में कुछ शहरों में मौजूद हैं। अगर आपके शहर में मौजूद है तो आप भी रेडिगो BS4 परचेज कर सकते हैं। लेकिन मुझे यह उम्मीद है कि लॉकडाउन खुलने के 10 दिन के भीतर इन कारों की सेल भी रोक दी जाएगी, तो फिर BS6 ही अवेलेबल रहेगा। क्या यह कार खरीदनी चाहिए? देखिए, अभी इस कार को चलाकर नहीं देखा है, लेकिन मुझे जो कार चला के देखी गई है उसके और इसके बॉडी शेल में कोई चेंजेस नहीं है। इंजन की परफॉर्मेंस में भी कोई चेंजेस नहीं है, सिवाय इसके कि यह अब BS6 हो गई है। तो मेरा मानना है कि यह बिल्कुल पुराने वाले कार की तरह ही परफॉर्म करेगी। हाँ, लुक्स बदल जाना, ज़्यादा फीचर्स आ जाने से यह कार ज़्यादा अट्रैक्टिव जरूर हो जाएगी, यानी कस्टमर को परचेज करने के लिए थोड़ा ज़्यादा अपील करेगी दूसरी कारों के मुकाबले। आपको क्या लगता है, नए फीचर्स आने के साथ यह कार और ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगी? लिखिएगा नीचे कमेंट सेक्शन पे, और यह भी बताइएगा क्या इस कार का मुकाबला क्विड के साथ होगा या आल्टो के साथ। अभी तक तो इसका मुकाबला क्विड, आल्टो और नैनो के साथ ही रहा है, तो वह भी लिखना ना भूलिएगा। आपके विचारों को समझने में हेल्प मिलती है इससे। जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबाइए, नहीं पसंद आई डिसलाइक का बटन दबाइए। लेकिन सोचिए, इतनी मेहनत की गई आपके साथ और आपके साथ पहली इन्फॉर्मेशन शेयर की गई है नई रेडिगो के बारे में, तो एक लाइक बनता है। मैं अमित अपने प्रोग्राम में न्यूज़, रिव्यूज़, आपके क्वेश्चन आंसर और ऐसी नई नई जानकारियाँ लेके आपके पास आया करता हूँ। रेगुलर देखना चाहते हैं हमारी वीडियो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में दी हुई नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलिए और उसके ऑल नोटिफिकेशन को भी चेक कर दीजिए। मुलाकात होती रहेगी हमारी और आपकी अगले वीडियो में भी। देखते रहिए आस्क कार गुरु।